सबसे पहले मैं एओ एकेडमी जाता था 2008 में, तो 2 साल मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेली। उसके बाद मैं 2 साल आरएलसी एकेडमी आया यहाँ पे राशिद भाई के पास। तो जब से आरएलसी आया तो उसके बाद से फिर राशिद भाई ने क्लब में भी करवाया, तो क्लब से क्रिकेट खेलता रहा, परफॉर्मेंस की जोन से परफॉर्मेंस की, फिर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस की, डिस्ट्रिक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस की। उसके बाद मेरा रीजन में नाम आया, रीजन में मैंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी जिसकी बेस पे पाकिस्तान अंडर 19 में मेरा नाम आया। ऑलराउंडर तो शुरू से ही था मैं, लेकिन पहले लेग स्पिन करता था, फिर उसके बाद 2015 में ही रीजन में हमारे कोच हैं मोहम्मद मसरूर, रीजन के कराची रीजन के कोच हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप फास्ट बॉलिंग अच्छी कर सकते हो नए बॉल से, तो मैंने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की जिसकी वजह से मैं एक अच्छा ऑलराउंडर बना। शुएब मलिक को लाइक करता था शुरू में, लेकिन जब से फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की तो अब मेरा फेवरेट अब्दुल रज़ाक। MS धोनी, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके आ रहा हूँ, तो आगे के लिए भी ये कि अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान की तरफ से खेलूँ। अभी रिसेंटली पाकिस्तान कप होने वाला है, तो उसमें भी मेरा नाम है सिंध की टीम से, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अगर चांस मिलता है तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान के लिए खेलूँ। सरफराज भाई कैप्टन है हमारे, और सरफराज भाई रिसेंटली अभी पाकिस्तान के कैप्टन भी अनाउंस हुए हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह। मोहम्मद आमिर हैं, उसके अलावा इमाद वसीम हैं, शादेब खुरम मंजूर हैं, फवाद आलम हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। उनके बीच में खेलना एक प्राउड की बात है, और इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि उनसे कुछ सीखूँ और अच्छा परफॉर्म करूँ। देखें, डिफरेंसेस तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का आपको पता ही है कि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात, और अंडर 19 के इतने ज़्यादा टूर होते नहीं, तो ये शायद मेरे ख्याल है ये वजह हो, क्योंकि जितने भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, इनकी होम सीरीज़ भी होती हैं, हमारी होम सीरीज़ नहीं होती, तो मैं इसकी वजह ये समझता हूँ कि अंडर 19 क्रिकेट थोड़ी सी पीछे। हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छा ऑलराउंडर बने, और वर्ल्ड कप में भी मेरी ऑलराउंडर नंबर 1 परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से भी, और वर्ल्ड 11 में भी मेरा एज़ ऑलराउंडर ही नाम आया, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं पाकिस्तान के लिए अच्छा करूं और एक अच्छा ऑलराउंडर बनूं।